नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, सावन शुरू हो गया है और सावन में ढेर सारे त्यौहार और व्रत आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए आज ऐसे मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उसे भी इसे खिला सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसकी अगर एक कटोरी बनाकर व्रत में खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको पूरा दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और स्वाद में तो ये एकदम लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब दूध को हमें 10 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस रेसिपी में हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी मखानों की, तो यहाँ मैंने थोड़े से मखाने ले लिए हैं। बीच बीच में दूध को भी हमें चम्मच से चलाते रहना है ताकि दूध उबलकर बर्तन से बाहर ना गिरे। तो देखिए दूध में बिल्कुल अच्छे से एक बॉईल आ गया है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। तो दूध को हम चलाते हुए अच्छे से बॉईल होने देते हैं और यहाँ पर मैंने 10-15 बादाम को भिगोकर रखा था, इनका जो छिलका है हमें उतार लेना है। वैसे तो आप बादाम का बिना भिगोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इनको थोड़ा सी देर भिगो दिया था ताकि इनकी जो गर्मी है वो निकल जाती है भिगोने से। इसलिए आप इसमें भिगोकर ही बादाम का इस्तेमाल करें, ऐसा करने से ये गर्मी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सारे बादाम का हमें छिलका उतार लेना है और छिलका उतारने के बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है हमें। और इसको पीसने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ मैंने आधा कप के करीब दूध लिया है। दूध डालने के बाद में इसमें हमें डालनी है 3 से 4 हरी इलायची। इलायची को हमें छील कर डालना है। इलायची डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, तो आप इसमें इलायची ज़रूर डालिएगा। तो चलिए अब इसे बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं और देखिए पीसने के बाद में आपको दिखाती हूँ कितना बारीक इसको पीसना है। एकदम पेस्ट जैसा हमने इसका बनाकर तैयार कर लिया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हम दूध को चेक कर लेते हैं कि दूध जो है बिल्कुल अच्छे से पका है या नहीं। और देखिए दूध पककर थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। दूध को बिल्कुल अच्छे से साइड से मलाई को हटाते हुए हमें चला लेना है। अभी दूध को हमें 3-4 मिनट के लिए और पकाना है, तो मैं इसे उतारकर दूसरे फ्लेम पर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ी देर पककर बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा और गाढ़ा करना है हमें इसे। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के देसी घी। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं व्रत में खाने के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। बस हमें घी को जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने जो मखाने निकाल कर रखे थे वो सारे मखाने इस घी में डाल देंगे और मखाने को अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। मखाने को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। मखाने को बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी तो करना ही है, साथ ही इसका हल्का सा कलर भी चेंज करना है ताकि जो हमारी रेसिपी है उसमें बहुत अच्छा इनका कलर आए। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3 से 4 मिनट में मखाने बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और आप देख रहे होंगे इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और देखिए दूध भी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो इतना ही गाढ़ा हमें इसे करना था, तो मैंने इसे इसी चूल्हे पर रख लिया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब जो हमने क्रिस्पी करके मखाने लिए थे वो मखाने हम ठंडे होने के बाद एक बोल में निकाल देंगे और इनका हमें क्या करना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। तो थोड़े से मखाने हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और थोड़े से मखाने हमें साबुत ऐसे ही बचा लेने हैं, इसका इस्तेमाल हम आगे रेसिपी में करेंगे। तो इन मखाने को हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, एकदम इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। और देखिए मखानों को मैं दिखाती हूँ, मैंने इन्हें पीस लिया है और इस तरह से हमें इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से पक गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो बादाम हमने पीस कर रखे थे, वो इसमें डालने के बाद एक बार इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है।
बादाम को हमें दूध के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, और जो ये साइड साइड की जो मलाई चिपक जाती है उसको भी हमें हटाते रहना है। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है और जो मखाने का पाउडर हमने पीस कर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। मखाने के पाउडर को हमें इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। जब मखाने बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे मीठा, और मीठे के लिए यहाँ मैंने शक्कर ली है यानी कि गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ पर इसको शक्कर कहते हैं। इसको हमारे यहाँ सर्दियों के सीज़न में स्पेशल बनवाया जाता है और इसको हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं चाय में या खीर बनाने में, और इसको बिना मसाले के बनाकर तैयार किया जाता है ताकि जब हम इसकी खीर या चाय बनाए वो फटे ना। और इस शक्कर से बनी चाय या खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। चीनी की अगर हम बनाते हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है जितना टेस्ट इस शक्कर की बनी हुई खीर में आता है। अब जो साबुत मखाने हमने बचा कर रखे थे अलग से वो भी इसमें डाल देंगे और इसको भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है। मीठा डालने के बाद में एक मिनट और इसको मैंने पका लिया है ताकि मीठा भी अच्छे से पक जाए, और ये हमारी एकदम बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे मखाने की खीर कह सकते हैं या मखाने से बनी हुई रबड़ी भी कह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी ये, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो इस त्यौहार आप इसको बनाकर ज़रूर खाइएगा, व्रत में खाइएगा या अपने बच्चों को भी बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है ये, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। मेरे बच्चों को तो ये इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने फ्रिज में रखकर इसको ठंडा कर कर खाया था और उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। अब ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम रबड़ी वाला टेस्ट था इसका। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।